बताओ। एनोटेशन का मतलब होता है कि आप उसमें जैसे कि टेक्स्ट लिखते हो, है ना, डायमेंशंस लगाते हो, किसी चीज को दर्शाना, उसको एनोटेशन कहते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि सामने वाला उस फिगर को देखकर ही सब कुछ समझ जाए, कोई भी उसे ऐसी कंफ्यूजन में ना रहे कि ये चीज क्या रहती है। ठीक है, क्या हो गया? 100 ISO 20 जैसे कि प्रॉपर डायमेंशन होनी चाहिए उसकी, है ना, या हर एक ऑब्जेक्ट की लाइन वेट कितनी रहेगी। एक मिनट है, मैं बताता हूँ क्या टेक्स्ट इसमें। पहला टॉपिक आता है इसमें टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका दो टाइप का होता है इसमें, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने अभी थोड़ा थोड़ा बहुत यूज भी किया है थोड़ी देर पहले, मतलब कि पिछली क्लासेस में, तो अब एक बार और करके देखेंगे इसको। तो सिंगल इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन में आपने यहां से क्लिक किया और आपने, अब आपसे देखो क्या मांग रहा है वो, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो आपको वो पॉइंट स्पेसिफाई करना है जहां से आपको टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है। सपोज जैसे कि ये तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि कोई रूम दे रखा है तो रूम के अंदर बेडरूम लिखना है आपको, तो कहां से लिखना है, कहां पे आपको, राइट और नो? तो ये आप वहां पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे, और अब आपसे पूछ रहा है आपको हाइट, क्या मांग रहा है हाइट। हाइट, अब मुझे ये बताओ कम से कम आप उसमें उतना बड़ा तो लिखोगे ना कि फिगर में वो विजिबल हो। अगर आपका 12 फीट बाई 14 फीट का एक कमरा है, 12 बाई 14 का, तो आप उसमें कितना साइज लेंगे इसका जिससे कि वो प्रॉपर विजिबल हो? बताओ, कम से कम 4-5 इंची का तो लेना पड़ेगा ना आपको? जी सर, तभी तो विजिबल होगा। अगर आप ले लोगे उसको 0.2 का, तो क्या वो विजिबल होगा आपको? नहीं होगा। नो, तो हाइट भी आप उसी डायग्राम के बेसिस पे लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ हाइट। अब आपसे क्या मांग रहा है देखो, रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल क्या होता है और ये कैसे रोटेट होगा? इस पॉइंट से कहीं बेस पॉइंट से, सर नहीं, वो तो बेस पॉइंट तो यही है जो स्टार्ट पॉइंट आपने दिया है जी, उसी के बाद रोटेट होगा। लेकिन हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में। अब जैसे कि आपको 0 एंगल अगर आप देते हो तो आपका टेक्स्ट इस तरह से लिखा जाएगा एकदम हॉरिजॉन्टल। और अगर आपने कुछ एंगल दे दिया तो वो फिर उतने एंगल पे जाएगा जैसे कि ये लाइन जा रही है। ठीक है, ओके। तो इसमें एंगल चाहिए या 0 एंगल पे, जीरो पे लिखना है उसको? 0 पे कर दो। तो 0 टाइप करके एंटर कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके पास एक ब्लिंक का ऑप्शन आ रहा है। जी सर, कर्सर का। अब यहां से जो भी लिखना है आप टाइप करना स्टार्ट कर दो। देखो, ठीक है, तो ये आपका सिंगल लाइन में ही आगे मतलब लिखता जाएगा। आप इसके नीचे जो लाइन करेंगे तो वो एंटर मार के करेंगे, सिंगल लाइन में बढ़ता जाएगा ये अपने आप। यहां से एंटर मारो, दूसरी लाइन आ गई, और इसमें फिर से आप लिख सकते हो। ठीक है भाई,
फिर से एक और एंटर मारा, तो तीसरी लाइन में कुछ लिखना चाहते हो क्या? क्यों भाई? क्या लिख देते हैं, चलो तीसरी लाइन में भी, चलो ये तीसरी लाइन भी लिख दिया आपने। अब चौथी में कुछ नहीं लिखना चाहते, एक और एंटर मार दीजिए। दो एंटर मारने पड़ेंगे आपको बाहर आने के लिए, ठीक है? तो ये कौन सा टेक्स्ट था आपका? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन, समझ में आया सिंगल लाइन टेक्स्ट? अब दूसरा देखो, दूसरा इसमें है आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट। क्या है? मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब जैसे ही आप इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट लेते हो, तो सबसे पहले कंपेयर करना आप दोनों में, डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। वहां पे क्या बोल रहा था, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। यस और नो? हाँ, तो आप इसको फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दो, ऑपोजिट कॉर्नर। यस, राइट, जस्टिफाई लाइन स्पेसिफिकेशन। ये तो आप कर ही सकते हो पहले, लेकिन उसमें नहीं आ रहे थे ये ऑप्शंस। यस और नो? अब सेकंड पॉइंट आपने यहाँ दे दिया इसमें, तो अब देखो इसमें भी एक वो बन गया और टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है टेक्स्ट लिखने के लिए, है ना, कर्सर उसका। यस और नो? और ऊपरते जैसे लंबाई के लिए, हाँ नहीं उसके, हाँ कहीं पे भी क्लिक कर दो, फिर उसको अपने आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। ये देखो, अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है आपको, बहुत कुछ क्या दिख रहा है बताओ। अरे यार ये सब जानते हो, इसमें कौन सी नई बात है, बताओ क्या? स्टाइल दिख रहा है, ये तो स्टाइल है, स्टाइल है। हाँ, ये क्या है आपका, इसका टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का साइज है। हाँ सर, अब यहाँ से ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन दिख रहा है? यस सर। ये इस तरह से बीच में अगर आपको टेक्स्ट को काटना है तो आप ये ले सकते हो। फॉन्ट साइज कौन सा चाहिए वो ले सकते हो यहाँ से, यहाँ से कलर कौन सा लेना है वो ले सकते हो। जस्टिफिकेशन, टॉप सेंटर बॉटम कहाँ पे लेना है वो ले सकते हो। लाइन स्पेसिंग, यही आ रहा था नहीं कि आपका बुलेट नंबरिंग है ना, जस्टिफिकेशन, लेफ्ट राइट टॉप, कॉलम, सिंबल, फील्ड, स्पेल चेक, ये सारी चीजें वही है। यस और नो? ये सारी चीजें आपने कहाँ देखी है, वर्ड में? जब आप एमएस वर्ड में काम करते हो कुछ टाइप करना सीखा हुआ, वही सीखा हुआ, वही देखा हुआ ना आपने ये सब? सर एमएस वर्ड में। हाँ, तो बस वही सेटिंग्स हैं जो आपको रखना है, उसको फिर आप लिखते जाओ कुछ भी। इसमें जैसे ही ये इसकी विड्थ फिल हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली देखो सेकंड लाइन पे आ गया कि नहीं? जी सर। जबकि सिंगल लाइन में वो आगे बढ़ता जा रहा था, सिंगल लाइन में आगे बढ़ता जा रहा था, है ना? पुनः वो नीचे आता जा रहा है, एंटर मारोगे तब भी वो नीचे ही आएगा, तो एंटर का भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी। लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, मतलब वेथ को बढ़ाते हो, तो वो एक लाइन में आते जाएंगे और जो एंटर वाले वो नहीं आएंगे। ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्लोज करना है। ये जो ऊपर ये सर, ये बहुत ही रहेगी क्या जी? सर ये जो टेक्स्ट के ऊपर इस वाले ऑप्शन में स्केल है, ये आती रहेगी? नहीं, नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज एडिटर को,
और कहीं से नहीं होगा ये वाला टेक्स्ट क्लोज, ये आपको राइट टिक पे क्लिक करना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। अब दोनों टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? आ रहा सर। क्या बताओ सर, वो एक लाइन में है और ये वो लाइट अलग-अलग स्क्रीन शो के बाकी शो कर रहा है। ये भी तो सेम ही है यार, ये भी तो एक ही लाइन मतलब दिख रहा है। आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा टाइप सिंगल लाइन टेक्स्ट है और कौन सा मल्टी लाइन टेक्स्ट है देखने से ही? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा देखने से। आप लोगों को आ रहा है तो नजर आ रहा है, कौन सा फर्क नजर आ रहा है बताओ मुझे सर। जो सिंगल लाइन है वो लोग इसमें घुमा लगने के बाद एंटर किया ना आपने, नीचे नहीं आई। हाँ। और इसमें जो है जो आपने जहाँ खत्म किया है उसको फिर नीचे स्टार्ट हुई। नहीं वो अभी वो तो बनाते समय आपको पता लगा, वो तो आपको बनाते समय पता लगा ना, लेकिन अभी बनाने के बाद में मान लो कि अभी आपको नहीं पता था और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेक्स्ट आपका सिंगल लाइन से लिखा हुआ है कौन सा टेक्स्ट आपका मल्टी लाइन से लिखा हुआ है, नहीं पता फिर हम बता फिर नहीं हम बता पाने जी नहीं नहीं बता पाने ना, वही मैं कह रहा था। आप देखो इसको सिलेक्ट करते ही आप इसको पता बता सकते हो। ये आपने देखो जैसे कि आपने एक लाइन पे क्लिक कर रहे हो तो ये सिर्फ एक ही लाइन चेंज हो रही है, देखो ये देखो, बाकी नीचे वाले टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस और नो? Yes, sir. इन तीनों लाइनों को आप अलग अलग एडिट कर सकते हो, इसका मतलब है ना? Yes, sir. लेकिन जब आप इस पे करोगे मल्टी लाइन टेक्स्ट पे, इस पे देखो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हुआ है, फिर से आपकी वो विंडो आ गई, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप इसमें एक साथ चेंज कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये फुली पैराग्राफ की तरह ही एडिटेबल होगा और ये सिंगल सिंगल लाइन की तरह एडिटेबल होगा, यही मतलब है आपका सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का, ठीक है? कोई डाउट? चलिए ये तो टेक्स्ट हो गया आपका, अब आता है आपका इसमें डायमेंशंस। डायमेंशन अगर आपने देखा हो जैसे कि लाइन आपने ली, ये लाइन है, अब इसके डायमेंशन मतलब आपको लेंथ पता करनी है तो किससे करोगे, डायमेंशन से या कोई सर्कल है, सर्कल का आपको रेडियस पता करना है या कोई आर्क लेंथ है, आर्क है इसकी लेंथ पता करनी है, तो आप इससे ठीक है भाई। अब देखो कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे एक डायमेंशन दिख रहा है आपको, तो ये डायमेंशन जो है क्विक डायमेंशन की तरह होती है, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो इसको, ठीक है? तो आप कहीं पे भी इसको क्लिक करोगे तो आपके लिए चलिए। अब देखो यहाँ से डायमेंशन लिया, डायमेंशन में ये तो आपने इसने ये बताया नहीं कि कौन सी डायमेंशन आपकी यूज हुई है ना? आप यहाँ से इसके ऊपर दोनों पॉइंट देखो, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया यहाँ पे इसका एंड पॉइंट भी, और दोनों एंड पॉइंट अपने आप आ गए कि नहीं आ गए भाई? जी सर। आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ से दो पॉइंट दूं तो आप कोई भी दो पॉइंट दे दो इसमें इस तरह से, देखो तो फिर ये उन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस दिखा देगा आपको, है ना? और नहीं तो देखो यहाँ पे आपके लिए पास है एंगुलर, बेसलाइन, कंटिन्यू, ऑर्डिनेट, अलाइंग, डिस्ट्रीब्यूट, लेयर, अंडू, ये तो है ही, ठीक है? इसके अलावा देखो यहाँ पे आपका ये ऑप्शंस यहाँ पे भी आते हैं इंडिविजुअली अगर आपको सिलेक्ट करने है। सबसे पहला क्या है इसमें यहाँ पे लीनियर, है ना? लीनियर क्या होता है ये बताओगे यार? लीनियर में एक्चुअली होता क्या है, वो किसी भी लाइन के
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को ही आपको शो कराएगा। क्या कराएगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसका तो दिखा देगा आपको। ये लाइन आपकी वर्टिकल है, इसका भी दिखा देगा। लेकिन अगर इससे लीनियर से मैं इस इंक्लाइन लाइन का डिस्टेंस अगर मेजर करूं तो देखो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट आपका ये, तो बताना ये कौन सा डिस्टेंस दिखा रहा है आपको। कौन सा है बताओ ये? ये तो वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा है ना आपको, दोनों पॉइंटों के बीच का। और नीचे की तरफ लोगे तो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है ना जी। तो इस तरह से आप इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस देख सकते हो, लेकिन उसका परफेक्ट डिस्टेंस नहीं दिखा सकता। लेकिन आपको जरूरत पड़ जाती है कभी कभी किसी भी पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस पता करना है कितना है कि नहीं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल दिखाएगा, समझ में आया? लीनियर से क्या होता है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही आपको दिखाएगा। आ गया ना समझ? लेकिन अलाइन से अगर इसको आपको इसका डिस्टेंस चाहिए तो अलाइन से आप इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लेकर के, तो ये आपको अलाइन डिस्टेंस आपको पूरा दिखाएगा, इसी परफेक्ट आपकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। और क्या इस अलाइन लीन अलाइन वाली से मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब उसमें अलाइन करा सकता है तो ये हॉरिजॉन्टल तो करा ही देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर से आप अलाइन का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन अलाइन वाले से लीनियर और अलाइन दोनों का कर सकते हो। अलाइन दोनों कर सकते हैं, हैं? क्या कर सकते हैं? दोनों से कर सकते हैं। हाँ, इससे अलाइन वाले से दोनों वाला, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें अगला देखो, अगला क्या आता है आपका, अगला आता है इसमें एंगल पता करना। क्या एंगल? एंगल एंगल किन के बीच में होता है? दो लाइनों के बीच में, yes, है ना। तो आपके पास दो भी, जो भी दो लाइनें हो उनको सिलेक्ट कर लो और फिर वो उनके बीच का डिस्टेंस एंगल आपको बता देगा कि भाई इन दोनों के बीच में इतना एंगल 37 डिग्री का दिखा रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। क्या जी, क्या कह रहे हो मैडम, दोबारा बोलना। ये जो एंगल शो कर रहा है इसको सिंपल आर्क नहीं दे सकता? सिंपल आर्क, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा डी एंटर। क्या करना पड़ेगा? डी एंटर किया, डी एंटर मॉडिफाई में गए और यहाँ से टेक्स्ट पे चूज किया आपने। और ये अभी टेक्स्ट की हाइट कितनी आ रही है आपकी, देखो 0.8 है ना, तो इसको कर दीजिए आप 4 कर दो, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की हाइट आपकी 4 हो जाएगी अब। और यहाँ से ये एरो की साइज भी, आपकी एरो का साइज भी तो बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी 4 कर दो, फिर इसको ओके करके अप्लाई कर दो। तो देखो बढ़ गया, एरो का साइज भी आ गया आपके पास में और ये एरो भी, और साथ में आपका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ गया। दिख रहा है आपको अब तो? Yes, तो अब यहाँ से लीनियर समझ में आ गया, अलाइन आ गया, एंगल भी आ गया।
अब क्या आता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास आर्क है तो उसकी इस तरह से आर्क लेंथ आपको शो करा। हो रहा है देखो, हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसमें शो करा सकते हो। अब आगे देखो इसमें, अब आगे अगर आपको रेडियस दिखाना है, क्या दिखाना है रेडियस, तो रेडियस तो या तो आर्क का होगा या होगा किसका, सर्कल का, ठीक है। तो आप सर्कल पे क्लिक कर दो, सर्कल की बाउंड्री पे, तो आपको इस तरह से रेडियस दिखाएगा और एरो भी आ रहा है और इसमें रेडियस के साथ क्या आ रहा है आर लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, इसकी वैल्यू है रेडियस की, रेडियस। सिमिलरली आप इसको आर्क पे भी दिखा सकते हो उस तरीके से। फिर आपका आता है इसमें क्या, डायमीटर। क्या आता है डायमीटर में, क्या होता है आपका डायमीटर दिखाएगा, तो उसके लिए भी आप सर्कल पे क्लिक करोगे और ये इस तरह से आपको डायमीटर दिखा दिया इसमें, देखो। यस और नो, और आर्क का भी आपको डायमीटर दिखा देगा, क्लिक करके देखो। डिफरेंस कैसे समझ पाओगे कि भाई ये रेडियस है और ये आर्क है, ये रेडियस है और ये डायमीटर है, रेडियस पे आर लिखा हुआ और डायमीटर। अगर मान लो ये रेडियस, मान लो प्रिया, हाँ ये बात सही बोली प्रिया कि इसके आगे आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रेडियस है, इसके आगे फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब ये डायमीटर है, ठीक है। बाकी अगर वैल्यू से आप देखना चाहो तो नहीं पता लगा सकते। अगर रेडियस को मैं डिलीट कर दूं तो आप बता पाओगे कि ये रेडियस की है कि डायमीटर की है वैल्यू से, ठीक है। तो सिर्फ आर और ये फाइव से ही आप पता कर सकते हो। अब आगे देखो, आगे आता है ऑर्डिनेट। क्या आता है ऑर्डिनेट से पहले जॉग देख लो। जॉग में क्या होता है, ये भी आपको रेडियस दिखाता है। क्या दिखाता है, रेडियस। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इस पे लेते हो तो आर्क पे क्लिक करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। वो देखो लिख रहा है ना, सेलेक्ट आर्क और सर्कल, तो आप आर्क पे क्लिक करो और फिर उसके सेंटर पे जाके क्लिक करो, तो इस तरह से फिर वो आपका आपको रेडियस दिखाएगा उसका विद सेंटर पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट इसका, समझ में आ गया। जो ये वाला रेडियस था तो आप देख रहे थे कि इस तरह से शो करा रहा था, लेकिन इस वाले में क्या है, वो अंदर से शो कराएगा और विद सेंटर पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल। अब अब ऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है, आपको याद है आपने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट पढ़े थे, है ना। उस कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका, कि अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बता पाओगे। नहीं बता पाओगे, उसके लिए आप यहाँ से ऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अब क्या बोला, स्पेसिफाई द फीचर लोकेशन, तो आप इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करो और ये वाला डिस्टेंस दिखा रहा है आपको 21.0 से, ये कितना किस चीज का है, एक्स का है कि वाई का है, एक्स
है, जल्दी बताओ किस चीज का है वो। बताओ भाई, ये आपका है y डिस्टेंस। देखो